वर्तमान समय में चलिए। जी हाँ दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन, मैं बिंदु कुमार कश्यप। अभी वर्तमान समय में मैं चरघरा बाबू टोला में खड़ा हूँ और यहाँ पर एक महिला आई हुई है जो कि कहीं और से आई हुई है और भटक गई है रास्ता, वो भटक गई। आइए जानते हैं ये महिला कौन है, कहाँ से आई है। हाँ जी अपना नाम बताइएगा। पुष्पिता जी आप कहाँ से आए हैं? हावड़ा से। यहाँ झाझा कैसे पहुँच गए आप? झाझा हमको झूठ बोल के एक लड़का लाया था जी। क्या नाम है लड़के का? उसका नाम है फुद्दू दास और विक्रम। कहाँ का रहने वाला है ये? वो झाझा बाऊबाग का है। झाझा बाऊबाग का है। आप कब आई हो यहाँ? हम होली के बाद 14 तारीख को आए। ओ आप होली के बाद से आप यही हो? हाँ लॉकडाउन के वजह से। कहाँ रख रहा था ये लड़का आपको? ये लड़का घर पे रह रही थी या? हाँ उसका घर में रह रहे थे। उसके पिता का नाम क्या? उसके पिता का नाम जतन रविदास। तो अभी क्या हो गई आपके साथ मजबूरी जो आप इस तरह बाहर निकल गए? मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर करता है, हमको खाना पीना नहीं देता है, घर से बाहर निकलने नहीं देता है, मेरा मम्मी पापा से बात नहीं करने देता है। एक्चुअल मेरा बेबी को मारना चाहता है और हमसे खाली पैसा मांगता है। आपके बेबी भी है? आई मीन प्रेगनेंट हूँ मैं 2 महीने का। अच्छा। इस संदर्भ में क्या आप थाना गए थे? हाँ 2 बार थाना गई थी, थाना कोई स्टेप नहीं लिया। उसके ऊपर मेरा जॉन्डिस भी हुआ है, उसका इलाज भी नहीं करवाया है। तो एक दिन हम छुपा के भाग के एक डॉक्टर के पास गए थे पिपराडी में। वो डॉक्टर भी हमको मदद किया, 4 दिन वहाँ पे रखा, खाना पीना सब ट्रीटमेंट दवाई दिया था। कौन डॉक्टर थे वो? उसका नाम है सोमन सिंह रॉय। अच्छा चलिए ठीक है रेडी। अब दर्शकों मिलते हैं, यहाँ के लोकल जो ग्रामीण है उनसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। अरे सर बताइए, मैंने क्या कैसे क्या हुआ? सर हुआ यही कि मतलब सुबह मतलब अभी से 1-1.5 घंटे पहले कोई ग्रामीण देखे क्या कि लड़की चक्कर खा करके बैठ गई है राह पर। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, ये लॉकडाउन की स्थिति में आखिर कोई नया आदमी कौन है? तो बताई अपनी आप बीती सुनाई कि हमको मतलब प्रताड़ित किया जाता है, कलकत्ता के रहने वाले हैं और प्यार का झांसा दे करके बुला लिया यहाँ पे, लेकिन घर में प्रताड़ित किया जाता है, मोबाइल चूर दिया गया, मेरा आईडी फाड़ दिया गया, सब कुछ कर दिया गया और मारना चाहता है। हम भाग करके इधर से जा रहे थे, DSP साहब के यहाँ जा रहे थे जी। लेकिन थोड़ी तबीयत खराब लगने लगी तो हम यहाँ पर बैठ गए, चक्कर आने लगी। तो हम लोग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं कालीकांत जी, उनको फोन पर सूचना दिया तो आए और उसके बाद वो शायद थाना को सूचित किए हैं, विशेष जानकारी वही देंगे आपको। आइए मिलते हैं वार्ड पार्षद जो है कालीकांत जी। हाँ जी कालीकांत जी, इस पर आपने क्या पहल किया है सर, ऐसा सा मामला हुआ है? तो ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिला कि ऐसा बात है कि नई अजनबी कोई आई हुई है और वो बता रही है कि हमारा शादी झांसे में आके जबरदस्ती शादी किया गया, हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ। तो हम इस बात का उनसे जानकारी लिए तो बोल रहे थे कि हम DSP साहब के पास जा रहे हैं, 2 बार थाना का कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हम स्थानीय प्रशासन को सूचना किए तो वो बताया कि ठीक है हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई? जी प्रशासन को सूचना दी गई। कितने देर पहले लगवा आप दिए सर? आधा घंटा पहले जी। ठीक है देखा जाए दर्शकों कि लोग कहते हैं कि प्यार बहुत पाक होता है, बहुत साफ सुथरा होता है, लेकिन लोग प्यार में लोगों को झांसा मिल जाता है इस तरह से, और गार्जियन के खिलाफ लोग होकर के भाग करके चले आते हैं और उसका दुर्दशा यही होता है। इसीलिए के कहा जाता है कि भाई आप कोई भी प्यार कीजिए लेकिन सोच समझ के, गार्जियन से जानकारी लेकर के प्यार कीजिए। धन्यवाद। बह रही मेरे साथ वॉइस ऑफ नेशन के लिए बिंदु कुमार के साथ वसीम अकरम की रिपोर्ट।